टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास है, डे नंबर 18, वीडियो नंबर 7, और टॉपिक चल रहा है वेक्टर्स। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर होना है हमारा 41। ठीक है, तो 40 पॉइंट या 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। 41 नंबर है, इफ पी एंड क्यू आर नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड बी माइनस सी पी क्रॉस क्यू प्लस सी माइनस का ए पी प्लस ए माइनस का बी क्यू इक्वल टू ज़ीरो। तो ए बी सी क्या होंगे, ए बी सी होल्ड्स करेंगे, यानी कि ए बी सी में क्या कंडीशंस बन सकती है। नंबर एक, साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। बी है ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं, या ऑब्ट्यूस एंगल है तीनों, या आइसोस्केल्स हैं, एंड डी है इक्विलेटरल। तो ये होते हैं इक्विलेटरल, यानी कि तीनों आपस में बराबर होंगे, ए बराबर बी बराबर सी, तब ये कंडीशन फॉलो हो पाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, यानी कि ए बी सी इस तरह से इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो जीरो जो टर्म्स आता है वो केवल और केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में शो हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 42। नंबर एक कंडीशन दिया है, टू एक्स प्लस वाई बराबर पी एंड एक्स प्लस का टू वाई बराबर क्यू, जहाँ पे पी बराबर आई प्लस जे एंड क्यू बराबर आई माइनस जे। फाइंड एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई, एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच का एंगल हमको फाइंड करना। तो ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल थी बनाते हैं तो ये क्वेश्चन आते रहे हैं। तो पी एंड क्यू का अगर हम वैल्यू रख देते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है पी एंड क्यू के टर्म में। तो सबसे पहले हम एक्स एंड वाई वेक्टर ले लें, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, ये टू वाई है, और अगर इसको टू वाई करते हैं तो फोर एक्स प्लस का टू वाई का टू टू पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई का टू क्यू, सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, थ्री एक्स इक्वल टू टू पी माइनस क्यू, यानी x का वेक्टर हमसे यहाँ से मिल पाएगा x इक्वल टू वन अपॉन थ्री टू पी माइनस क्यू, वन अपॉन थ्री टू पी यानी कि फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस क्यू है x माइनस टू वाई, तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई के टर्म में रखें तो फिर से x आ जाएगा, एक्स वाई में नहीं रखना है, वेक्टर फॉर्म में रख देते हैं पी एंड क्यू। तो 2p यानी कि 2i प्लस 2j, 2q माइनस q तो माइनस का i प्लस j, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 i प्लस 3j, ये होगा x। ऐसे ही y निकाल लेते हैं, x का मान किसी एक में रख देंगे, y निकाल लो, x का जो वेक्टर्स है वो इसमें किसी में पुट कर देते हैं। तो ये था हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर पी, तो x का मान रख देते हैं 1/3, या जगह 2/3 टू पी माइनस क्यू प्लस वाई इक्वल टू पी, तो वेक्टर y इक्वल टू पी माइनस 2/3 टू पी माइनस क्यू, तो y इक्वल टू 3 एल से हम लेंगे 3 पी माइनस 6 पी प्लस 2 क्यू इक्वल टू हो जाएगा
माइनस का 3p प्लस 2q अपॉन 3 बाई, जैसे हमने x वाला निकाला है वेक्टर टर्म में, ऐसे ही y वाला भी निकाल लेते हैं और एंगल बिटवीन x एंड y आ जाएगा, क्योंकि p का एंड q का मान रख देते हैं, वहाँ से हमारा y भी आ जाएगा। तो y इक्वल टू है 1 अपॉन 3 माइनस का 3p आई प्लस का जे प्लस 2q आई माइनस जे, वाई इक्वल टू होगा 1/3 माइनस का 3i माइनस का 3j प्लस 2i माइनस 2j, 1/3 माइनस आई माइनस का 5j। तो x और y के बीच का कोण निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन x एंड y। तो x डॉट y इक्वल टू एक्स वाई कोस थीटा x डॉट y, ठीक है, x है 1/3 आई प्लस 3j डॉट y है 1/3 माइनस का 3p सॉरी 1/3 माइनस i माइनस का 5j, तो इस टर्म में नहीं इस वाले टर्म में लेना ij में, इक्वल टू x का मोड 1/3 अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, y का मोड भी 1/3 अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे और जो आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन देता है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, i डॉट x की माइनस 1 हो जाएगा, माइनस का 3 बन जाए 15, j डॉट j 1 1/3 9 और 1 10 और ये हो जाएगा 1/3 1 प्लस का 25 कॉस थीटा, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 14 इक्वल टू अंडर रूट 10 अंडर रूट 26 कॉस थीटा, 14 इक्वल टू 10 गुणा 13 गुणा 2 13 26 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 14 अपॉन अंडर रूट 260। थोड़ा बहुत कैंसिल हो सकता है, बहुत ज़्यादा कैंसिल नहीं होगा या बहुत ज़्यादा ही समान नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 43। में ए इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, ए का वैल्यू फाइंड करना है, ए इज परपेंडिकुलर, ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर वेक्टर बी आई प्लस 2j प्लस 3k एंड सी माइनस का 2i प्लस 4j प्लस k, ठीक है, एंड सेटिस्फाइड द कंडीशन ए डॉट आई प्लस 2j प्लस k इक्वल टू माइनस 6, फाइंड वेक्टर ए कितना होगा, वेक्टर ए की वैल्यू इसमें फाइंडिंग करना है, ठीक है। ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, तो ए बी और सी पर परपेंडिकुलर है और ए डॉट इतना बराबर माइनस 6, तीन कंडीशन यहाँ से हमको मिल जाएंगे। तो ए माना, तो ए को कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन में, ए पर टू मान लें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी पर टू जीरो है, तो आई डॉट आई वन यानी एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू जीरो, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी ए डॉट बी। ए परपेंडिकुलर टू सी यानी ए डॉट ए डॉट सी इक्वल टू जीरो, तो एक्स डॉट माइनस 2 यानी माइनस 2x ये हो जाएगा 4y एंड z इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और एक इक्वेशन ये x का मान रख देंगे, तो x i प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड i माइनस 2j प्लस k इक्वल टू माइनस 6, तो ये हो जाएगा x डॉट x x y डॉट y z डॉट j बन हो जाएगा माइनस का 2y प्लस z इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन नंबर 3। तो तीन इक्वेशन है 1, 2, 3, तीनों को सॉल्विंग करके क्या करना है, फाइंड x y एंड z, उसके बाद यहाँ से पुट कर देंगे एंड पुट वेक्टर a इक्वल टू क्या था,
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। करने का मेथड बता दिया गया है, ए बी पे लम है तो कंडीशन लगा दी, ए सी पे परपेंडिकुलर है तो उसकी कंडीशन बना दी, और एक ये दिया था। तीनों को सॉल्विंग करेंगे, एक्स वाई जेड का मान फाइंडिंग कर लेंगे और इसमें पुट कर देते हैं तो वेक्टर ए निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़े से लेंथी क्वेश्चन ये भी डालते रहे हैं। 42 43 हुआ, 44 44 है, इज द पपेट आर इज द मैग्नीट्यूड और इतना इफ ए वेक्टर, एक कोई वेक्टर है आज ऑफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3√6, इज डायरेक्टेड अलोंग द वाई सेक्टर, वाई सेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए इक्वल टू 7i − 4j − 4k एंड बी इक्वल टू माइनस का 2i − j + 2k, देन आर इज इक्वल टू ए वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, डायरेक्टर अलग टू बाइसेक्टर एंगल बिटवीन, यानी कि यहाँ पे आर लिखा है, आर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, यानी कि मोनोभार इक्वल टू 3√6 ये दिया है। ए एंड बी के वेक्टर दे रखे हैं, तो एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है आर, तो आर की वैल्यू फाइंडिंग करना है। ठीक है, तो अगर हमारा आर वेक्टर है, आर को हम मान लेते हैं टी ए प्लस का बी, टी यहाँ पे कोई स्केलर है, अपनी दोनों का के बीच बाइसेक्ट कर रखा है, तो बाइसेक्ट एंगल को हम इस तरह से, बाइसेक्ट वेक्टर को इस तरह से मान सकते हैं, वेल टी इज एन स्केलर, तो आर का अगर मान निकालते हैं, टी ए एंड बी की वैल्यू पुट कर दी जाए उसके मैग्नीट्यूड निकालने के बाद, तो आर का वेक्टर निकल पाएगा, और टी का मान निकाल पाएंगे इससे, टी का मान निकाल लेते हैं तो फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए प्लस बी, ए कितना हो जाएगा, ये 7i − 4j − 4k, बी है −2i − j + 2k, आर इक्वल टू होगा टी 5i − 5j − 2k, 5i − 5j − 2k। ठीक है, तो ये वेक्टर आर इक्वल टू हो गया टी 5i − 5j − 2k। अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम ए एंड बी को मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में हो गया यहाँ पे टी, तो इसका मैग्नीट्यूड ए और इसका मैग्नीट्यूड निकाल के रखती हूँ, तो ये 1/3 4 × 16 = 9 आ जाएगा, 4 × 16 = 49 = 81 हो जाएगा, 9 और 7i − का, क्योंकि डायरेक्ट हो रहा है किसी डायरेक्शन पे लगा है, तो इसका हमको डायरेक्शन के थ्रू जब लग रहा है किसी लाइन पे एक्ट हो रहा है, तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में नहीं काम करेगा ओनली, तो इसकी यूनिट यानी कि मॉडुलस वेक्टर के टर्म में लेना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर्स, तो यूनिट वेक्टर्स के टर्म में लेंगे, इसका ही 1/3 इसका आ जाएगा कितना, 1/3 एंड कितना −2i − j + 2k। अगर इसको सॉल्विंग हम कर लेते हैं तो टी 9 ये हो जाएगा i − 7j + 2k। अब इन्होंने दिया है वेक्टर आर का जो मोड है वो दे रखा है, आर का मोड 3√9। ठीक है, यानी कि आर मोड ऑफ आर इक्वल टू 3√6
3√6। तो इसका अगर हम मॉडुलस निकालते हैं तो वेक्टर आर के मोड का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 54, 6 और 9, 6 9 54, 54 हो जाएगा। इसका अगर स्क्वायरिंग कर दें है ना, हमारे पास है वेक्टर आर इक्वल टू टी अपॉन 9। अब इसको हम तो इक्वेशन मान लेते हैं, टी का मान आएगा और यहाँ पे पुट कर देंगे तो भाई हमारा वैल्यू हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देते हैं इसको मोड ऑफ, सॉरी पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, आई माइनस का 7j+2k, और उसके बाद हम कर देंगे अगर स्क्वायरिंग, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू टी का स्क्वायर 81 एंड इसका भी मॉडुलस, ठीक है। अगर मोड ऑफ का स्क्वायर ले लेते हैं तो आई माइनस 7j+2k का मोड का स्क्वायर, तो इस तरह से हमें टी निकल जाएगा, ये 54 रख देंगे, और यहाँ की इसकी तो कोई खास ज़रूरत अब है नहीं, इसको हटा देते हैं, और इसका मान लीजिए 54 एंड टी का मोड का स्क्वायर 81, और ये हो जाएगा अंडर रूट लेते हैं तो स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा 1+49+4, 4 4 54, ये भी हो जाएगा 54 से 54 कैंसिल, 81 इक्वल टू मोड टी का स्क्वायर, यानी कि टी इक्वल टू +-9। टी का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं 49, 1 में पुट कर देते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू 9 अपॉन 9 यानी 1 हो जाएगा, और आई माइनस 7j+2k, इस तरह से वैल्यू निकल पाएगी। 44 हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 45। ABC B3 non-coplanar vector such that R1 equal to A plus B minus C, R2 equal to B plus C minus A, R3 equal to C plus A minus B, and R equal to है 2A-3B+4C, ये कब होगा, एंड R इक्वल टू λ1R1+λ2R2λ3R3, देन A इक्वल टू λ1, B वाला ऑप्शन है λ2, इसमें से देखना कौन सा करेक्ट है, ये बताना है। 162 क्वेश्चन नंबर 45। तो इतनी सारी कंडीशंस इसमें दे रखी हैं, वेक्टर आर इक्वल टू है R1 इक्वल टू A+B-C, R2 दिया है, R3 दिया है, एंड वेक्टर आर दिया है, और ये कंडीशन फॉलो करानी है। इसमें अगर हम वैल्यू ड्रा कर देते हैं, कौन सी कंडीशन है इसमें, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी बन जाए, तो वेक्टर आर का मान रख देते हैं 2A-3B+4C इक्वल टू λ1 का मान रख देंगे, λ1 R1 हो जाएगा A+B-C, λ2 ही रहेगा, एंड वेक्टर R2 होगा B+C-A एंड λ3, एंड R3 हो जाएगा C+A-B। तो यहाँ से कंपेयरिंग कर लेते हैं, ए वाला ले लेंगे λ1 माइनस का λ2 प्लस λ3, एंड बी वाला लेंगे λ1 प्लस λ2 माइनस का λ3, एंड सी वाला लेंगे -λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। तो 2A-3B+4C, कंपेयरिंग अगर इसको करा लेते हैं तो ए का वेक्टर ए के साथ आ जाएगा, बी का बी के साथ, और सी का सी का, यानी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के गुणांकों की तुलना करने के, तो ये आ जाएगा λ1 माइनस λ2 प्लस λ3 = 2, और एक आ जाएगी
लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 इक्वल टू माइनस 3, और ये आ जाएगी माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 4। ये तीन कंडीशन आ जाती हैं, इनको सॉल्विंग कर लेते हैं और सॉल्विंग करके कोई एक रिलेशन इनमें से बन जाएगा, तो जो आंसर आता है वो आएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 3। ठीक है, इसको सॉल्व आप करेंगे तो ये वाला आंसर मिल जाएगा, और इसमें वैल्यू फाइंडिंग कर ली जाएगी, या तो तीनों को ऐड कर दे तो क्या बनेगा, हाँ 4 2 6, 6 में से 3 गए 3, ओके लैम्डा 1 एक कैंसिल हो रहा तो एक बच रहा, एक लैम्डा 2 कैंसिल हो रहा तो एक बच रहा, हाँ तीनों को एडिंग कर देंगे, इनको तीनों को एडिंग कर दें तो यही बन जाएगा। तीनों को एडिंग करने पे बन रहा है डायरेक्टली, और ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी लगता है ना, तो होता भी ट्रिकी है, इस टाइप के क्वेश्चन डालते रहे हैं और आते रहते हैं।